और जब ही आगे चले तो पार्वती बोलेंगे पीछे चलो पीछे, सुन रही हो? भगवान बोले बाबा बोले कोई बात नहीं, समय समय की बात है, कह ले भगवान भोले बाबा चले हैं वृंदावन की ओर। देखन को लीला लीला धरी घनश्याम की, देखन को लीला लीला धरी घनश्याम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही बाबू की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही बाबू की। भगवान भोले बाबा जनानी बन करके चले हैं वृंदावन नगरी की ओर, जाकर के पहुंचे हैं वहां पर जहां महाराष्ट्र हो रहा था। द्वार पर एक गोपी पहरेदारी पर लगी हुई थी, उस गोपी ने पार्वती जी को द्वार पे ही रोक लिया। अरे जवाब दिया क्या, कहां से आए हो? हमें नहीं जानती, हम तो कैलाश पर्वत से आई है। अच्छा, भगवान भोले बाबा के यहाँ से? कोई बात नहीं, चलो आगे। पार्वती जी तो वहां से आगे बढ़ गई, भगवान भोले बाबा को गोपी ने द्वार पर रोक लिया। पूछने लगे क्या, तुम बहुत अच्छी लगती हैं, कहाँ से आई हो? अब भगवान भोले बाबा लंबो से घूमट काटे द्वार पर चुपचाप खड़े, कुछ बोली ही नहीं रहे। अब बोलते हुआ बेचारे, अगर बोलते तो बात वही पर खुली जाती। पार्वती जी ने पीछे मुड़ के देखो, जवाब दो काय, इन्हें काय रोक लो। गोपी बोली, अच्छा तुम्हारे साथ में आई है क्या? बोले हाँ। तो तुम ही बता दो इनके पति का क्या नाम है। अब पार्वती जी ने भगवान भोले बाबा के हाथों को पकड़ा, एक झटका दिया, बता क्या बता। लगता है निकल चले फिर तो कुछ। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, बानो तो बनाने ही पड़े। जवाब दिया है, सुनो बहन। सुनाओ। अरे तुम नहीं जानती हो ये कौन है? कौन है? हम बता रहे हैं तुम्हें, मेरे बेटा गणेश को जानती हो? जानती हूँ बस जब बाई की बहू है। हो मेरे बेटा की, हो मेरे लाला की बहू ही। Thank you.
सुना बेटा, हमने अपने बेटा गणेश की शादी करी बहुत जल्दी जल्दी करी। अरे कुछ दिन पहले अपने तो गलत बात। अरे करी ले शादी अपने लला की खबरी लनाई भी भगवान भोले बाबा के हाथ को पकड़।